शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान साधु की नीति दूसरा अध्याय तैरवी कहानी। आंखें व मुसीबतें गिरफ्तारों न बमाशियते अर्थात पापों में लिप्त होने से दुखों में फंसा रहना अच्छा है। समुद्र के किनारे मैंने एक धार्मिक मनुष्य को देखा। उसके शरीर में चित्ते के पंजे का घाव था जो किसी दवा से आराम न हो सका था। इस कष्टपूर्ण अवस्था में वह बहुत काल तक रहा परंतु सर्वदा ईश्वर को धन्यवाद देता रहता था। किसी ने पूछा कि तुम किस लिए धन्यवाद दिया करते हो? उसने कहा, मैं इसलिए धन्यवाद दिया करता हूँ कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूँ न कि पाप में। अगर वह प्यारा मित्र ईश्वर मेरे मार डालने का भी हुक्म दे तो मैं अपनी जान जाने से कुछ भी भयातुर न होऊंगा, लेकिन उससे पूछूंगा कि हे दीन बंधु, इस दास ने क्या अपराध किया है जिससे आप अप्रसन्न हो गए हैं? यही ख्याल मेरे रंज का सबब है। शिक्षा। इस कहानी का फकीर ईश्वर को अपना प्रिय मित्र मानकर कहता है कि हे ईश्वर, मुझे चाहे जितने तकलीफ दें, मुझे मरवा डाले, परंतु मैं अपनी जान के लिए उपवीड़ न करूंगा। जान जाने से मुझे कुछ दुख न होगा, लेकिन अगर वो प्यारा मित्र ईश्वर मुझसे रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो मुझे अत्यंत दुख होगा। सारांश यह है कि इस कहानी का फकीर ईश्वर की प्रसन्नता को अपनी जान से भी बढ़कर समझता है। कहानी समाप्त।